We are joined by Mr. Kavinder Gupta, who is the Deputy Chief Minister of J&K. Thank you very much, Kavinder Gupta ji, हमसे बात करने के लिए. मैं आपसे एक स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूँ. कब तक हम अपने जवानों की बलि चढ़ाते रहेंगे जम्मू कश्मीर में? और अब जो हमारे पास ये वीडियो आया है, इसमें जो जितने भी अलगाववादी नेता हैं, उनको कश्मीरी जो है सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या यही निज़ाम मुस्तफ़ा है? हमारे लोगों को आप मार रहे हैं और उनकी जो बॉडीज़ हैं उसको नुमाइश पर लगा दिया है. आप कविंदर गुप्ता जी, इस पर क्या कहेंगे? कश्मीर की वास्तविकता यही है और ये जो वीडियो सामने आया है यही सच है. आज भी पेरेंट्स जो है, कोई भी अपने बच्चे को इस मिलिटेंसी में धकेलना नहीं चाहता, लेकिन ये जो हुर्रियत लीडर्स या उनके जो सो कॉल्ड सपोर्टर्स हैं, उनके दबाव में आकर के जनता को इस प्रकार के बंद या दूसरी तरह की करना पड़ता है. मुझे लगता है कि आने अभी भी पिछले दिनों कुछ लोगों ने, माताओं ने एक अपील की थी जिससे कि बच्चे उनके मिलिटेंसी से वापस आए थे, और आज ये हमारा कश्मीर स्वर्ग है और अमन शांति की बहाली के लिए मुझे लगता है एक जो प्रयास लोगों को जो समझ आ रही है, निश्चय उसमें जो चेंज आएगी वो आने वाला समय बताएगा. हेलो. और कविंदर गुप्ता जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं. हमने इतने वायलेंस देखे पिछले 48 घंटे में, बहुत सारे ग्रेनेड अटैक हुए हैं हमारे फोर्सेस के ऊपर, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो जेएनके पुलिस हो. आप कॉमन कश्मीरीज को क्या मैसेज देंगे? क्या आप बोलेंगे उन्हें कि सरकार उनके पीछे है? अगर उनको सवाल खड़े करने हैं हुर्रियत पर, अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हुर्रियत के खिलाफ, करें, बेबाकी से करें और सरकार उनका समर्थन करेगी. मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने सीज फायर का एक घात बढ़ाया था, लेकिन मिलिटेंट्स को या दूसरे आउटफिट्स हैं उनको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए था. लेकिन आज भी कश्मीर के लोगों को समझना होगा कि दोपहर में जो ग्रेनेड अटैक हुए हैं उसमें 12 सिविलियंस घायल हुए हैं. इस प्रकार रोजमर्रा का जो नया ट्रेंड इन्होंने चेंज किया है, यहाँ के लोगों में इस प्रकार की जागृति आनी चाहिए कि जो मिलिटेंट है उसका कोई धर्म नहीं होता, जो मिलिटेंट है उसकी कोई जात नहीं होती, वो किसी के सगे नहीं होते, वो हमारे लोगों को तबाही के कगार पर ले जा रहे हैं. मुझे लगता है इस चीज से सबक कहीं ना कहीं लेना चाहिए. और कविंदर गुप्ता जी, आप इस पर क्या कहेंगे जो अलगाववादी नेता हैं, चाहे गिलानी हो, मीरवाइज हो, यासीन मलिक हो, और आपके भी जो ऑपोजिशन के लोग हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, और आज आप ही देख रहे हैं कि आपके जम्मू में और आसपास के इलाकों में कैसे सीज फायर वायलेशन हो रहा है, इनोसेंट सिविलियंस को मारा जा रहा है, बहुत सारे लोगों का पलायन हो रहा है. आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, क्या नसीहत देंगे कि पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है, ऐसा जिक्र भी करना चाहिए अभी? पाकिस्तान कायर मुल्क है, उसने हमेशा पीस के पीछे छुरा घोंपने की कोशिश की है. कल भी मैंने बयान दिया था कि इस प्रकार के सीज फायर अगर कोई भी कहता है तो उसको नहीं करना चाहिए. हम अगर एक गोली हमने ये किया था की थी, लेकिन मैंने पहले ही कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता. पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता. कहीं ना कहीं पिछले 1971 में गलती हुई, 90,000 सैनिक हमने इनके पकड़े थे और इसके साथ ही ये बांग्लादेश को अलग बनाया था. उस वक्त जो भी किया जा सकता था, लेकिन कमी हुई. इस बार पाकिस्तान को समझना चाहिए, अगर इस प्रकार की जो नौबत आती है वो उसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा. एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कविंदर गुप्ता जी, क्योंकि आप डिप्टी सीएम हैं, आप स्पीकर रह चुके हैं. ये सवाल अहम है क्योंकि आपने देखा कविंदर गुप्ता जी कैसे शुक्रवार की शाम को नवहटा में सीआरपीएफ की एक गाड़ी जा रही थी जिसपे पत्थरबाजों ने हमला किया. अगर वो गाड़ी के अंदर जा पाते या बाहर सीआरपीएफ वालों को निकालते, कुछ भी हो सकता था. आज ऐसा ही एक और वीडियो हमको पुलवामा से मिला है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो सीआरपीएफ व्हीकल के ड्राइवर थे उनके खिलाफ केस दर्ज किया है, नेग्लिजेंस ड्राइविंग के खिलाफ. क्या आपको नहीं लगता इससे मोराल जो है फोर्सेस का नीचे जाएगा? क्या आप आज टीवी पर स्पष्ट करेंगे कि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए? राजनीति होनी चाहिए तो सपोर्ट करना चाहिए फोर्सेस को, चाहे वो जेएनके पुलिस हो या सीआरपीएफ हो. फोर्सेस को कभी डिमोरलाइज नहीं होने दिया जाएगा. फोर्सेस संयम से काम ले रही है. मेरा तो ये कहना है कि जुल्म करना भी पाप है और जुल्म सहना भी पाप है. जो भी ये अपने सीआरपीएफ ने किया वो बहुत सही किया. आगे से इसको नसीहत मिलनी चाहिए.
जी जी कविंदर गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. दैट वॉज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एक्सक्लूसिवली स्पीकिंग टू रिपब्लिक टीवी. कविंदर गुप्ता कंडेमिंग द वायलेंस एंड ऑल्सो सेइंग दैट द वीडियो एक्सपोज बाय रिपब्लिक टीवी इज द रियलिटी ऑफ द कश्मीर. Common Kashmiri is showing the mirror to the radical separatists who have been instigating violence over the last three decades in Kashmir. Back to you, Shobha.